अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं शार्प एक्वस R6 के बारे में। इतने ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि भाई आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो यार मैं इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, ना ही स्पेसिफिकेशन का मुझे पता था, और ये भी नहीं पता था कि कैसी डिवाइस चलती है। तो इस पर पूरा सर्च करके मैं इस पर बना रहा हूँ कि ये कैसी है 2024 के अंदर डिवाइस, ठीक है, पबजी परफॉर्मेंस आपको कैसी देगी, लैग होगी या नहीं होगी। इस टोटल को मैंने सर्च किया और सारी स्पेसिफिकेशन देख के ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी इसकी प्राइस को लेके भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में कितने की मिलती है, PTA टैक्सेस का कितना है, ठीक है, सारा कुछ इसमें मैं आपको बता दूंगा। और पबजी परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे, टूर्नामेंट्स के अंदर ये डिवाइस कैसी चलती है, इवन अगर आप कंकरर पुश करते हो या रैंक पुश करते हो या कोई भी टूर्नामेंट खेलते हो तो ये डिवाइस कैसी चलती है। तो अगर इसकी बैटरी को लेकर बात करें ना, तो भाई इसमें 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है और ये डिवाइस फास्ट चार्जर को भी सपोर्ट करती है। ऑलमोस्ट 65 W तक ये चार्जर सपोर्ट करती है ये डिवाइस। उसके अलावा स्नैपड्रैगन 888 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये पहली डिवाइस है भाई, अभी तक मैंने आपको जितनी भी डिवाइसेस बताई होंगी ना, ये पहली डिवाइस है जिसमें 240 Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ये चीज़ मैं भी देख के हैरान रह गया हूँ कि 240 Hz रिफ्रेश रेट इसमें आपको मिलता है। बाकी टच सैम्पलिंग इसका कहीं भी शो नहीं हो रहा कि ये टच सैम्पलिंग इसका कितना है, ठीक है, टच सैम्पलिंग भी अच्छा ही होगा जो इतनी मतलब बेस्ट स्पेसिफिकेशन आपको दे रही है ये डिवाइस। और जो स्नैपड्रैगन 888 आपको मिल रहा है ना, ये भाई अब तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और इसके कैमरास भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और ये आपको डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट्स में अगर इसकी प्राइस को लेके बात करूँ ना, तो ये 60,000 में नॉन PTA अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएगी। और PTA टैक्स भी इसका ऑलमोस्ट 4000 या 3800 के करीब ही है, और ऑफिशियल PTA अप्रूव अच्छी कंडीशन के साथ पाकिस्तानी मार्केट्स में ये आपको डिवाइस मिल जाएगी 70,000-75,000 में इजीली मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किट फोन्स को लेने से पहले ना, उसका हर चीज़ यानी हर चीज़ उसमें चेक करिएगा कि उसमें मसला तो नहीं है। ये किट फोन्स होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता, इसी वजह से मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। बाकी ये डिवाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी है, इन तमाम डिवाइसेज जितनी भी मैंने अभी आप तक आपको बताई हैं, 1+7T या 8T, ठीक है, इवन पोको F3 से भी ये डिवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके कैमराज भी बहुत अच्छे हैं और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। 240 Hz का आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है, एक कंप्लीट फ़ोन है, ठीक है, 5000 mAh की बैटरी भी मिलती है। जो लोग कैमरा के लिए लेना चाहते हैं तो कैमरा भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। बाकी ये डिवाइस आपको यकीन मानो, कोई जितने भी अभी तक मैंने इसके रिव्यू देखे हैं या सारा कोई देखा है ना पबजी परफॉर्मेंस में, तो हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप होते हैं। और ये इसका और इसकी पबजी ग्राफिक्स की बात करूँ ना, तो ये अभी तक 60 FPS को सपोर्ट करती है, लेकिन आपको पता ही है कि जिसमें 240 Hz रिफ्रेश रेट आपको दिया हुआ है ना, वो 90 FPS को भी ईजिली हैंडल कर लेगी। अगर आप कोई प्ले स्टोर से GFX डाउनलोड करके 90 FPS वाला वो इसमें लगा लेते हो तो ये 90 FPS को भी इजीली हैंडल कर लेगी, ठीक है, उसका मसला नहीं होना आपको। तो ये ना सोचिएगा कि 60 FPS दे रही है तो हम इसको स्किप करा दें, भाई इसमें 240 Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है। वो इसीलिए मिल रहा है कि आप कोई भी GFX लगा के इसको 90 FPS ईजिली कर सकते हो। पबजी परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी 70,000 में या 75,000 में, और तो आपको कोई डिवाइस नहीं मिलनी पाकिस्तान में जो इस तरह की परफॉर्मेंस आपको लोगों को दे, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने चेक करा है, ये डिवाइस बहुत अच्छी है भाई, इसको ले सकते हो, ठीक है। 75,000 में अगर आपको कहीं से मिलती है तो आप ले लेना इसको, ठीक है। 5000 mAh की बैटरी भी है, कंप्लीट फ़ोन है। बाकी इसके अलावा कोई इस डिवाइस के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, ठीक है, आपका के डिवाइस कहाँ से मिलती है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको पता ही है कि मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।